शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शिक्षा क्रांति सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना बच्चों, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने पे मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम मैथ की क्लास में करेंगे जो हमने चैप्टर किया था, क्या है लंबा क्या है गोल, उसी में है बच्चों ये पेज नंबर 12। तो उसमें क्या है बच्चों, चित क्या लुढ़का क्या किसका। चित्र को देखो, पार्क में बच्चे कुछ चीज़ों को लुढ़का रहे हैं, कुछ चीज़ों को खिसका रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पे पार्क में, ये देखो बच्चों, ये बॉल को लुढ़का रहा है, ये इसको, ये क्या है बच्चों, टायर, इसको भी लुढ़का रहा है, ये क्या है बच्चों, एक गत्ता एक बॉक्स, ये इसको खिसका रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आगे क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढ़काया जा सकता है और कुछ चीज़ें जिन्हें खिसकाया जा सकता है। कुछ चीज़ें लुढ़काई और खिसकाई भी दोनों जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, ये सिलेंडर को क्या कर रहा है, लुढ़का रहा है और इसको खिसका भी रहा है। ये क्या है बच्चों, ये है कैरम बोर्ड की गिट्टी, इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, ये खिसका रहे हैं। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे है अपने चारों ओर की चीज़ों को देखो, चीज़ें जो लुढ़काई जा सकती हैं, चीज़ें जो खिसकाई जा सकती हैं, चीज़ें जो लुढ़काई और खिसकाई दोनों जा सकती है। देखिए बच्चों, आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे बच्चों ये देखिए, क्या हम इसको ऐसे लुढ़का सकते हैं? नहीं। ठीक है बच्चों, इसको सिर्फ हम खिसका सकते हैं। ये हो गई बच्चों एक बॉक्स। ठीक है बच्चों, आप इसमें लिख सकते हैं कि एक बॉक्स, जो वो कोई भी डिब्बी हो सकती है। ऐसे ही बच्चों, आपको जो खिसकाई जा सकती हैं वो सिर्फ इसमें लिखना है। देखिए बच्चों, अब सेकंड, ये देखिए बच्चों, ये लुढ़काने वाली चीज़ है। ठीक है बच्चों, इसको लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं, लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये किस में आएगी, ये इसमें आएगी। ये भी देखिए बच्चों, ये हम इसको लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी इस वाले बॉक्स में आएगी। अब लुढ़काने वाली चीज़ बच्चों, जैसे कि नींबू होता है, उसको हम खिसका नहीं सकते, उसको हम सिर्फ लुढ़का सकते हैं। नींबू टमाटर ऐसे ऐसे चीज़ों को बच्चों इसके अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे है छुटकी का सवाल, छुटकी को उसके घर तक पहुंचाने और रास्ते से बाहर भी निकालो। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम क्या क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उंगली से रास्ता ढूंढते हैं। ये छुटकी है, इसको अपने घर के रास्ता ढूंढना है, इसको अपने घर पर पहुंचना है। तो हम इधर से चलते हैं, देखिए बच्चों यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये वाला रास्ता सही है, यहाँ जाएंगे, ये इसका घर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलो अब पेन से करते हैं। हम कहाँ से गए थे बच्चों, देखो हम यहाँ से गए थे, ये रास्ता यहाँ, यहाँ से हम यहाँ गए थे, फिर ये देखिए बच्चों, इस वाले रास्ते पर जाएंगे तो हमें इसका घर मिलेगा। तो चलो चलते हैं इस वाले रास्ते से, हम यहाँ गए, यहाँ गए और फिर यहाँ, और ये यहाँ इसका घर पे हमने इसको पहुँचा दिया। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं अगले पेज पर क्या है। अगले पेज पर देखिए बच्चों, चीज़ें जमा कर मीनार बनाओ। बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो तीन बच्चे हैं, ये इन्होंने देखो बच्चों, एक ने तो माचिस की डिब्बी ले रखी है, इसने कुछ बॉक्स ले रखे हैं और इसने गेंद ले रखे हैं। ये क्या बोल रहा है, क्यों ना सबसे पहले हम डिब्बों से मीनार बनाएं। बच्चों डिब्बों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उससे तो मीनार बन जाएगी। ये क्या है बच्चों, ये बोल रही है मैं सबसे ऊंची मीनार बनाऊंगी। माचिस के डिब्बों को भी ऊपर 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 रख कर मीनार यानी कि बिल्डिंग बना सकते हैं। पर जो बच्चों इसने देखो बॉल ले रखी है, ये उदास हो रखा है,
क्योंकि बोल से एक मीनार नहीं बनाई जा सकती, एक बोल के ऊपर दूसरी बोल या फिर तीसरी बोल कभी भी नहीं रुक सकती, वो गिर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप भी ऐसे ही कुछ अलग अलग सामान लेकर उनसे एक बिल्डिंग, एक दीवार, एक लंबी मीनार बनाकर देखना कि किस किस चीज़ से मीनार बन सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।